बीजेपी के सबसे कामयाब अध्यक्ष का दायित्व निभाने के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी सरकार 2 में गृह मंत्री बनाया गया। इससे पहले इस पद पर राजनाथ सिंह थे, लेकिन अब ये पद अमित शाह को दिया गया है। हालांकि वो पहले भी गुजरात में गृह मंत्री पद को संभाल चुके हैं, लिहाजा वो बखूबी इस पद के कामों को समझते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन बड़ी चुनौतियों के बारे में जो अमित शाह की टॉप प्रायोरिटी में शामिल होगी। नंबर 1, आतंकवाद का होगा सफाया। जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई अन्य राज्यों से लगातार आतंकवादियों को मदद और आतंकवाद के फलने फूलने की खबरें आती रहती हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि अमित शाह सबसे पहले घर में पल रहे आतंकवाद से निपटने की योजना बनाएंगे, साथ ही सीमा पर होने वाली आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नीतियां तैयार करेंगे। नंबर 2, नक्सलियों के लदेंगे दिन। लोकसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था। ऐसे में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहले इसके निपटारे की उम्मीद की जा रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अभी भी नक्सलियों के सक्रिय होने की खबरें आती हैं। नंबर 3, घरेलू सुरक्षा। अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने से देश के अंदर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों पर भी नकेल कसेगी। गुजरात में अमित शाह के गृह मंत्री रहने के दौरान प्रदेश के क्राइम रेट में काफी गिरावट आई थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनके गृह मंत्री पद पर आने के बाद आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों में डर का माहौल बनेगा। नंबर 4, रोहिंग्या और घुसपैठियों पर लगाम। पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट में NRC लगाने के बाद भी लगातार चल रही रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों के मुद्दे पर अब और ज्यादा ठोस कदम की अपेक्षा की जा रही है। अमित शाह इस मामले में सबसे बेहतर मंत्री साबित होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और नंबर 5, जम्मू कश्मीर में सुधरेंगे हालात। जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा व घुसपैठ के चलते बढ़ने वाले आतंकवाद और बिगड़ते हालात में अब सुधार की उम्मीद की जा रही है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद की सबसे बड़ी चुनौती भी उनके लिए जम्मू कश्मीर ही होगा। पिछले 5 सालों में लगातार जम्मू कश्मीर में हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।